हैप्पी रिपब्लिक डे माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ रोड पे और ऑफ रोडिंग करने, समझ सकते हो ऑफ रोडिंग या फिर ऑफ रोडिंग नहीं बोलेंगे इसको। आज हम लोग एक बात करने वाले हैं कि जिससे कि क्या है क्या नहीं उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को बने रहो और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख लो, मैं सुबह सुबह आ गया हूँ हाईवे नहीं सिटी रोड बोलेंगे इसको। पूरा रोड खाली खाली है और मुझे ठंड भी बहुत लग रहा है। आप सब बताओ कि आप सब कभी घूमते हो कि नहीं घूमते हो, नीचे कमेंट जरूर करना मुझे। और तो क्या है, चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल गाड़ी का दाम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है गाड़ी का दाम, सब ठीक है ना, तो आप सब जान रहे हो। तो फ्रेंड्स मेरा कहना है कि आप सब क्या सोचते हो भैया, कौन कौन 220 को मतलब पसंद करता है और लेने का ख्वाहिश रखता है, उनके लिए ये वीडियो है खास, उनके लिए खास वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि मैं 220 को यूज़ करते मेरा लगभग हो गया है, लगभग 15 महीना हो गया है मेरे को गाड़ी 220 यूज़ करते करते। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि भैया लोग, आप लोग अगर 220 लेना चाहते हो तो उसके बारे में आपको अच्छाइयाँ भी जानना चाहिए और बुराइयाँ भी जानना चाहिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि ये काफ़ी अच्छा गाड़ी है और पावरफुल भी गाड़ी है और माइलेज भी ठीक ठाक ही दे देता है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते कम भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 220 सीसी होने के बावजूद भी ये गाड़ी को कितना भी रफ चलाओ तो लगभग 30 का एवरेज दे ही देता है। देता है तो फिलहाल फ्रेंड्स देख लो आप लोग नज़ारा वगैरह कैसा है कैसा नहीं। तो बात करते हैं 30 का माइलेज देता है। तो बहुत लोग बोलेंगे भैया मेरा गाड़ी 40 का देता है, 45 का देता है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और मैं तो हर किसी का नाम तो नहीं बोल सकते, बोलेंगे उसके लिए भी अलग वीडियो आएगा एक तो है ना, तो मैं बताऊँगा उसके लिए भी कि भैया इतना का एवरेज देता है। कोई कोई मेरे को कमेंट करके बोल रहा था भैया मेरा 45 का एवरेज देता है। तो भैया जिनकी गाड़ी है उनकी अच्छी बात है, ये गाड़ी भी देगा आपका 45 का, हम भी निकाल सकते हैं गाड़ी में माइलेज 45। ओके बोलेंगे कि भैया हम गाड़ी में 45 का माइलेज निकाल सकते हैं, 45 का देगा माइलेज, लेकिन आप अगर चलाइएगा ना इसको लगभग आप कितना बोलें तो 40-50 की स्पीड में चलाइएगा, 40-50 की स्पीड में ना, और पूरा 5 गियर लगा के चलोगे तो भैया कन्फर्म गारंटी कि भैया आपका 40-45 तो रखा हुआ है, आपका 45 रखा हुआ। मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि भैया लोग बहुत को बोल रहे हैं भैया कि मेरा इतना दे रहा है, भैया मेरा गाड़ी को उतना दे रहा है, उनके लिए उनके लिए बता देना चाहूँगा कि ऐसा शक है कि मेरे इसका वीडियो बना उनके लिए वीडियो है ना। और अगर बात करें तो 2021 में गाड़ी को लेना सही है कि नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपके पास लगभग 1,40,000 का बजट है आपके पास तो आप जा सकते हो ये गाड़ी के लिए, कि गाड़ी ठीक है और अभी 2021 में BS6 आया है नया मॉडल, तो उसमें आपको पूरा मतलब थोड़ा सा डिजिटल थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही चेंज किया है, जिससे कि आपको ओवर टाइम माइलेज बताएगा, लाइफ टाइम माइलेज बताएगा और भी कुछ कुछ फंक्शन है, मैं तो नहीं गया हूँ शोरूम वीडियो बना रहा हूँ। और लाइक कमेंट जरूर करना कि आपका क्या सजेशन है क्या नहीं है ना। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सब गाड़ी ज़बरदस्त होता है ना अपने लिए,
अपने लिए भी और टाइमिंग के लिए भी मस्त है ना। और क्या बोलेंगे भैया, गाड़ी है तो ज़बरदस्त रहता है, पिकअप भी अच्छा है, डीजल मस्त है ना। तो मैं आया हूँ इधर पेट्रोल पंप तरफ है ना, मैं आज सोच रहा था ब्लॉग कर लेता हूँ। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, सुबह के 5:30 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ है ना, आप सब जरूर करना क्या है क्या नहीं। हाईवे रोड है, हाईवे रोड में दोनों तरफ से मतलब थोड़ा सा रोड है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती है इस रोड पे और बहुत ज़बरदस्त सीन है, आप लोग को पसंद आएगा सीन। यहाँ रोड भी इतना ज़बरदस्त ज़बरदस्त रोड दे दिया है कि भाई यहाँ ऑफ रोडिंग करना भी गुनाह है। सही रहे तो फिर कहने क्या है, शूटिंग करते हैं पास गोप्रो नहीं है, अपन लोग मोबाइल से ही शूट करते हैं, हम लोग गोप्रो रहने से फिर कहना ही नहीं जाता जो इतना दिक्कत और क्वालिटी को अच्छा खासा क्वालिटी मिल जाता है। ये सब जैसा कि आप लोग जानते हैं है कि ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना तो बनता है। तो गाइस देख लो ट्रक व्रक कैसा है कैसा नहीं, जबरदस्त रहता है यहाँ पर सारे कैसा चलता है ना। तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा था कि ये गाड़ी लेना बेस्ट है कि नहीं है, आप लोग इस बात के अनजान हो जो जो नहीं लिया है ये गाड़ी, उनके लिए मैं बताता हूँ फटाफट है ना। तो अगर इसका माइलेज जिसे आपको फुल टंकी कराएगी कराइएगा तो लगभग एवरेज मेरे को मिलता है, अगर मैं इसको चलाता हूँ हमेशा चलाती हूँ, इस गाड़ी से तो नहीं चलते हैं थोड़ा ज़्यादा ही चलते हैं, वीडियो बना रहे हैं इसको जैसे वैसा दिखा रहे हैं, तो लगभग लगभग 200-300-400 किलोमीटर जो राइड है और अभी एवरेज मेरा गाड़ी चल गया है लगभग 6000 किलोमीटर दूर तक अभी तक चला है गाड़ी है, और देखते हैं 6000 तक चलने के बाद मेरे को ऐसा लगता है भैया ये गाड़ी और इसका फेयरिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि इसका फेयरिंग जो मतलब है ना कि भैया लोग कभी अगर आप लाइट लगवा रहे बाई चांस थोड़ा बहुत भाई लोग बार लाइट या पार्किंग लाइट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करवाते हैं तो किसी किसी को नीला ब्लू पसंद आता है, तो मैं कहना चाहूँगा भैया लोग अगर आप लोग फेयरिंग एक बार जैसे कंपनी को लगा के देगा बढ़िया से, और अगर आप एक बार हो सकता है लोकल मार्केट में खुलवाते हो और लाइट उट वगैरह फिक्सिंग करवाते हो तो भाई वो प्रॉपरली फिक्सिंग नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि भैया मतलब झड़झड़ थोड़ा सा फेयरिंग में आवाज़ आ ही जाता है, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है भाई, कहना मुश्किल है लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप सब बताओ किसके किसके पास 220 है, उन लोगों का झलझल करता है नहीं करता है बताओ, फेयरिंग वेयरिंग थोड़ा बहुत खिलने लगता है जैसा कि आपको पता ही होगा। ऐसा ही सब जगह ब्रेक कर देती है बाइक खराब होते हैं, गाइस मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 220 है
या 180 नया वाला मॉडल, 220 जैसा मॉडल आता है वो वाला मॉडल वाला है तो मुझे बताओ कमेंट करके कि भाई लोग किसके किसके पास है। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा कि भैया गाड़ी तो ज़बरदस्त है 220, इसके लिए कहना नहीं है, एक नंबर गाड़ी है। और अगर आप पर्सनली मेरे बारे पूछते हो कि भैया आपको गाड़ी कैसा लगता है चलाने में तो भाई एक नंबर गाड़ी है, नो डाउट। ऐसा गाड़ी है कि बस पूछो ही मत।